अगर आपको स्नैपचैट में लॉगिन करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कैसे आप स्नैपचैट को लॉगिन कर सकते हो। सबसे पहले प्ले स्टोर से उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ रहा है, तो नीचे आपको देखिए साइनअप का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये कि आप अगर नया अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो साइनअप पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको लॉगिन करना है तो नीचे ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, उसके बाद लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है लॉगिन के ऑप्शन पर। अब यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। अब सबसे ऊपर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर इंटर कर सकते हो। नीचे पासवर्ड डालने का ऑप्शन आता है, पासवर्ड डाल के आप सिंपली लॉगिन का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपको बेसिकली पासवर्ड नहीं पता है, पासवर्ड आप भूल गए, तो नीचे आपको यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे फॉरगॉट योर पासवर्ड के ऑप्शन पर, उसके बाद देखिए दो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें आप सबसे ऊपर वाला सेलेक्ट कर सकते हो। विया फोन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका फ़ोन नंबर ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। सिंपली आपको सबमिट का ऑप्शन पर नीचे क्लिक कर देना है। आपके फ़ोन पे बेसिकली एक ओटीपी आएगा जो कि ऑटो फिल हो जाएगा, आपको यहाँ पर फिल करने की ज़रूरत नहीं। अब आप देखिए यहाँ पर एक अच्छा सा 8 अंकों का पासवर्ड बना ले, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो भी आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हो बना सकते हो। आप देखिए इस तरीके से पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। पहला अक्षर आपको कैपिटल में लिखना है, उसके बाद जो भी है एक डिजिट आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ चुका है। इसके बाद नीचे सबमिट का ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड नया बन चुका है। अब आपको फिर से ये लॉगिन पेज पे ले आएगा। आपको जो पासवर्ड आपने नया सेट किया था अभी वो हम यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम नीचे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली ये लॉगिन हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है। वेट आप करेंगे, यहाँ पर टर्न ऑन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो भी इसकी परमिशन आपको दे देना है अलाउ कर देना है सिंपली। उसके बाद देखिए आपका सक्सेसफुली यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ से इसको आप यूज कर पाओगे, आपका जो भी पुराना है तो आप इसको यूज कर सकते हो, आपका जो भी पुराना अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। इस तरीके से आप इसको लॉगिन कर सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक लीजिए हिंद। आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तब तक।